नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं बिहार के, और इसी बीच एक बार फिर से आज नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी थी और इस बैठक में 11 एजेंडों पर मुहर लगा दी गई है। तो कैबिनेट की बैठक आज नीतीश कुमार ने तमाम मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ बुलाई थी। तमाम जो प्रमुख सचिव हैं वो सब इस बैठक में शामिल थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई और इसमें कुल 11 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है, जिसमें सबसे अहम ऐलान किया गया है इस बैठक के बाद कि जितने भी सरकारी कर्मचारी इस कोरोना संकट के दौरान कार्य में लगे हुए हैं, और अगर उनकी मृत्यु अगर हो जाती है, अगर वो कोरोना से संक्रमण होकर उनका निधन होता है, तो उनके परिजनों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया गया है। तो अब कहीं ना कहीं एक बड़ा ऐलान कह सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तरफ से तमाम लोगों के लिए, जो लोग लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं उन लोगों के लिए, जो लोग हैं इन दिनों इस महामारी में लगातार सेवा दे रहे हैं, सरकारी कर्मचारी हो, तो ऐसे में उन लोगों के लिए, उनके बेहतर, उनके परिजनों के बेहतर भविष्य के लिए सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया। ऐसे विशेष पेंशन का भी बीते दिनों ऐलान किया गया था, जब पहली बार बिहार में हालात बिगड़े थे और उस वक्त जब तमाम जो कर्मचारी लगातार लोगों की सेवा कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे, और ऐसे में जो लोग संक्रमित हो गए हैं और जिनका निधन हो गया, उन सब के लिए सरकार ने पहले भी विशेष पेंशन देने का ऐलान कर दिया था। और ऐसे में आज जब कैबिनेट की बैठक थी तो उस दौरान भी अब उन तमाम सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, तो ऐसे में लगातार नीतीश कुमार जो हैं वह तमाम अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। बीते दिनों बैठक की गई थी, जिसके बाद हाई लेवल की मीटिंग के बाद नया गाइडलाइन जारी किया गया 29 अप्रैल से, जिसके अनुसार 4 बजे के बाद दुकानें बंद कर दी गई हैं और अब 6 बजे से नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है और 29 अप्रैल से ये लागू कर दिया गया है। तो हमने आपको तमाम तस्वीरें भी दिखाई थी। तो बिहार में नया गाइडलाइन जारी हो चुका है और ऐसे में जब लगातार एक के बाद एक बड़ी खबर आ रही है, जहां कोरोना से बिगड़ते हालात की अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। एक तरफ देश के जाने माने न्यूज एंकर रोहित सरदाना, और या फिर कहें तो बिहार के मुख्य सचिव अरुण सिंह का निधन आज कोरोना से हुआ है, तो इन सब को लेकर अब आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। देश, बिहार, सब जगह हालात बहुत ही ज़्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।